नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो जहाँ से वो वीडियो समाप्त हुआ था, वहीं से अगला वीडियो बना रहे हैं। सब लोगों ने खाना खा लिया है, बर्तन धुल के हमने रख दिए हैं। उसके बाद हम आशी को नहला रहे हैं, क्योंकि दोपहर के बज गए हैं एक और धूप भी अच्छी निकल आई है, तो इसको नहला देंगे हम। तो उनको नहला रहे हैं, और नहलाने के लिए हमने गर्म पानी किया था, और गर्म पानी में हमने डाला था अजवाइन। उसको उबाल कर उसको ठंडा करके तब इनको नहला रहे हैं, क्योंकि इनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो बिटिया रानी हमारी नहा चुकी हैं, और नहाने के बाद हमें करनी है इनकी तेल की मालिश। तो हमने तेल गर्म किया था, उसमें डाला था लहसुन मेथी, और उसी से करेंगे इनकी मालिश, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है। तो ये तेल लगाने से बच्चों को थोड़ा आराम मिल जाता है। तो वो लगाएगा पैर में, कहाँ लगाएगा? कहाँ लगाएगा बुआ? यहाँ लगाएगा। हाँ तो लगाओ ऐसे ऐसे करके। तो इनकी तेल की मालिश हो चुकी है, पहना देंगे इनको कपड़े, क्योंकि हमको मालिश करते करते 2 बज गए थे। अब इसके ऊपर हम इनर पहना देंगे गर्म वाली, और उसके ऊपर भी एक स्वेटर पहनाएंगे, क्योंकि इनको सर्दी बहुत जल्दी लगती है, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के रखते हैं इनको। तो कपड़े पहना दिए हैं इनको, कपड़े पहन चुके हैं। इसके बाद लगा देंगे क्रीम पाउडर काजर, और अच्छे से तैयार कर देंगे। तो आज शाम को खाने में हमारे यहाँ बनेंगे छोले और भटूरे, पापा की फरमाइश थी। मम्मी ने सुबह छोले भिगो दिए थे, शाम के बज रहे हैं 5, हमको करने हैं शाम को खाने की तैयारी। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमने टमाटर प्याज मिर्च को अच्छे से धो लिया था, और अदरक को छील ले रहे हैं, इनको बारीक काट लेंगे, और उसके बाद इनको पीसेंगे सिलबट्टे पर। तो सबसे पहले हमने लिया था धनिया गरम मसाला अदरक, इनको एक साथ पीसा था, और टमाटर प्याज और हरी मिर्च को एक साथ पीसा था। तो हमारा मसाला पीसकर तैयार हो चुका है। जो मम्मी ने सुबह छोले भिगोए थे वो अच्छे से भीग चुके हैं, अब इनको पानी से साफ कर लेंगे। 2-3 पानी में साफ किया था इनको। और इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बंद करके इसको हमने चढ़ा दिया था, हमने गैस पे ही चढ़ा दिया था इसको। और उसके बाद कर रहे हैं भटूरे बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हमने लिया है मैदा, उसमें डाला था थोड़ा सा इनो और थोड़ा सा दही, इसको अच्छे से मिला लिया था। कहते हैं इनो डालने से भटूरे बहुत अच्छे से फूलते हैं। और इसका आटा थोड़ा गीला ही लगाना पड़ता है। तो इसका आटा हम लगा कर रख देते हैं। तो चलिए बनाते हैं छोले, तब तक इसका आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो शाम के बज गए हैं 6, तो पापा की फरमाइश पर बनाने जा रहे हैं छोले। तो चलिए बनाते हैं, और सबसे पहले चढ़ाते हैं कढ़ाई। चूल्हा हमने जला लिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डालते हैं जीरा। अब इसमें डालते हैं हींग। ये जो मसाला पीसा था ये डाल देते हैं, धनिया और गरम मसाला। अब डालते हैं हल्दी 1 चम्मच, और
तो ये है टमाटर और प्याज लहसुन का पेस्ट, इसको हम बाद में डालेंगे। हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसको डाल देते हैं। ये छोला मसाला, अच्छा इसको खोलो, छोले मसाले को भी डालेंगे मसाले में। खोल के ला जल्दी। हाँ खोल लिया, लाओ जल्दी, लाओ लाओ लाओ। डालते हैं छोला मसाला, चाकू से काटते हैं। प्याज में पकाना है देर तक, जब तक कि तेल ना छोड़ दे। तो हमारा मसाला लगभग पकने ही वाला है, इसको हम चलाते रहेंगे। मसाला हमारा पक चुका है, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने छोले उबाले थे, छोले डालेंगे इसमें। तो दोस्तों जो हमने छोले उबाले थे वो ले आए हैं और डाल देंगे इनको। डाल देते हैं नमक। तो दोस्तों छोला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, तो उसमें डाल देते हैं धनिया। छोले को चलाते हैं, देखते हैं कितना छोला बन चुका है हमारा। बस थोड़ी देर में छोला बनकर तैयार होने वाला है, कर तैयार है। ये देखिए गाढ़ा पेस्ट रखा गया है, ना पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, मीडियम है। वो तो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से होता है, जिसको जैसा पसंद हो। अब इसमें डाल देते हैं हरी धनिया, उतार कर इसको रख लेते हैं। जो आटा हमने लगा कर रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है, इसको हमने लगा लिया है फिर दोबारा। और इसकी बना लेंगे छोटी छोटी लोइयाँ, और हमने थोड़ा रिफाइंड लिया है, नहीं तो इसका आटा चिपकता है बेलने में, तो रिफाइंड लगा कर हम बेल रहे हैं। और इसकी पूड़ियाँ जो हैं पतली बेलनी है बराबर। अब चढ़ा देंगे कढ़ाई और डाल देंगे इसमें तेल। तो हमारा भटूरा बनकर तैयार है, इसको तेल में हम पकाते हैं। हमारे सारे भटूरे बहुत अच्छे बने थे और बहुत अच्छे से फूले थे। अच्छे बने ऐसे कर दो, कह दो हाय, उधर ऐसे करो, कैमरे पे करो, कह दो हाय कैमरे पे, फोन पे, फोन पे कह दो आइए खाना खाइए, उधर बोलो पापा की तरफ देख के। तो दोस्तों छोले भटूरे बनके तैयार हैं, आप लोग भी आइए और खाइए टेस्टी वाला छोला और फूले फूले भटूरे। तो खाकर बताइए और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगे। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।